मेरठ में यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल के बच्चों का आज इंग्लिश का पेपर था, जो कि सुबह 8 बजे से स्टार्ट था और बच्चे 8:30 बजे तक आते रहे। जब बच्चों से लेट होने के बारे में पूछा गया तो बच्चों ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। ये सब हार्वर्ड प्ले स्टेट गर्ल्स इंटर कॉलेज मेरठ में है। ये स्कूल सिविल लाइन सर्किट हाउस रोड पर बना हुआ है और बच्चे लेट होने के कारण अपने रूम की तरफ भागते नजर आए और स्कूल में SDM व जिला विद्यालय निरीक्षक अन्य अधिकारी चेकिंग करने बार बार आ रहे थे। और जब मीडिया कर्मी ने ब्रजेश कुमार चौधरी जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ से स्कूल में व्यवस्था की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों में CCTV कैमरा व अन्य सुविधाएं हैं। और पेपर के बाद बच्चों में काफ़ी खुशी देखने को मिली। जब हमारी टीम ने बच्चों से पेपर के बारे में पूछा तो बच्चों ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा आया था और बहुत अच्छा हुआ भी। सभी बच्चे एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए फील्ड में नजर आए। मेरठ से रिंकू कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टुडे न्यूज और मैं रिंकू कुमार। आज सर्किट हाउस रोड पर हावर्स प्लास्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज पे हम इस टाइम हैं और आप जिस तरीके देख सकते हैं कि बच्चों का हाई स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज इंग्लिश का पेपर है, बच्चों का जो पेपर छूटा है, यहाँ से बच्चे अब अपने अपने घर की तरफ को आए हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे कि सभी बच्चों के मन में इतनी खुशी है कि काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी जो पेपर है काफ़ी अच्छा गया हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों में इतनी खुशी है। सभी बच्चे बाहर निकलकर अपने यार दोस्तों के साथ में अपने यार दोस्तों से हाथ मिला रहे हैं और अपनी जो पेपर अच्छा गया उसकी जो खुशी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं इनसे बात करेंगे कि आज का जो पेपर था वो कैसा गया था और यहाँ पे जो व्यवस्था भी अच्छी है, पुलिस व्यवस्था भी साइड में लगी हुई है। यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इसको जूम करके थोड़ा दिखाएं सभी की तरफ। जो बच्चे हैं वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए कि आखिरकार जो पेपर है कैसा गया उनसे बात। क्या नाम है आपका? माइसेल्फ अंकित। अंकित जी, आपको इतनी खुशी है कि मुझे लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा गया। कैसे गया आपका पेपर? मेरा पेपर तो अच्छा गया भैया। अच्छा गया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आज के पेपर के लिए? मेहनत तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, रात को भी 2-2 बजे तक जागना पड़ रहा है और सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो 2-3-4 घंटे की नींद गया। बच्चों को इन पेपरों में काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ रही है और हमारे साथ एक और इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनन्या कुमार। अनन्या कुमार जी, आपका जो आज का पेपर कैसा? बेहतरीन है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छा पेपर गया। जिस तरीके से बच्चों में आप देख सकते हैं कि खुशी कुछ इस तरह है कि बहुत ही ज़्यादा खुशी बच्चों के अंदर है और सभी अपने अपने दोस्तों के लिए अपने पेपर की सेलिब्रेट करते हुए। मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे ग्राउंड तक पीछे तक दिखाएं कि जो यहाँ पे जो ग्राउंड है, पूरे ग्राउंड में यहाँ बच्चे हैं, सभी बच्चे अपने अपने घर की तरफ को रवाना हो रहे हैं और जो बच्चे एक दूसरों में आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे बहुत खुश हैं। हम यहाँ पे बात जो है करेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे आ रही हैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तनीषा। तनीषा जी, आज का पेपर कैसे गया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गया था। आपका क्या नाम? उन्जिला। पेपर कैसा गया? अच्छा गया, काफी अच्छा पेपर। अच्छा गया? यस मैम। सख्ताई देखने के लिए मिली? काफी सख्ताई थी पेपर में? नो। हाँ यस। नकल वकल चली थी या नहीं? नो सर, नहीं चली। नो। बच्चों से यहाँ पे मालूम करा कि स्कूल में काफी सख्ताई देखने के लिए भी मिली है और यहाँ जो बच्चे हैं इतने खुश हैं कि जो पेपर की बात करें तो पेपर भी काफी अच्छा बच्चे बता रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों में काफी, कैमरामैन से कहूँगा जो बच्चे हैं काफी खुश हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों में। और भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीतू। माय नेम इज नीतू। पेपर कैसा गया? अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। कैसा आया था पेपर? बहुत अच्छा। किस चीज का था आज पेपर? इंग्लिश। इंग्लिश के पेपर में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत सख्ताई थी। नकल वगैरह चली थी? नहीं पढ़ती। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जिस तरीके से बच्चों में यहाँ पर भारी खुशी देखने के लिए मिल रही है, पूरे ग्राउंड को दिखाएं, सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं और इनका जो आप देख सकते हैं कि काफी सारी खुशी। एक बार दोबारा से मैं कहूंगा
बच्चों के अंदर काफी खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। बच्चे अपने मन की जो बात है वो रख रहे हैं। बच्चों के लिए पेपर भी कठिन था, लेकिन जैसी कठिन परीक्षा थी उस हिसाब से पेपर बहुत ही सरल तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पे गया। फर्स्ट मीटिंग का अब एग्जाम, फर्स्ट मीटिंग का पेपर हो चुका है और सेकंड का भी होना बाकी है। यहाँ बात करेंगे, क्या नाम है? मानसी। मानसी जी, अच्छा है। कितनी खुशी है आज? बहुत ज्यादा। कितनी मेहनत करी थी पेपर करने की? बहुत ज्यादा। मुझे लगता है आप तो शायद लेट भी आई थी। हाँ जी, हाँ जी। लेट क्यों हुई? पाँच मिनट लेट हुए थे और एकदम पहुंच गए थे। यहाँ पे बच्चों ने बताया कि जो पेपर है काफी अच्छा पेपर गया है और फर्स्ट मीटिंग का पेपर खत्म हो चुका है, सेकंड का अभी होना है। आज का इंग्लिश का पेपर था, जिस तरीके से सख्ताई थी उस तरीके से बच्चों का जो पेपर है काफी अच्छा गया। बच्चों ने बताया, कैमरामैन लोकेश कुमार के साथ 24 टुडे मेरठ। ब्रजेश कुमार चौधरी, जिला विद्यालय शिक्षक मेरठ। सर, जैसे कि यूपी बोर्ड की परीक्षा, इसमें आपके पास कितनी सख्ताई? यहाँ पे पूरी सख्ताई क्या मतलब, पूरी पारदर्शी तरीके से की जा रही है। सभी पे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सचल दल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो है सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा है, सभी ऑनलाइन कैमरों से जुड़े हुए हैं जो हमारे जिला मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय से जुड़े हुए हैं।